भारत में XBB.1.5 के केस मिले, 5 केस मिले। मास्क नहीं पहनने की परमिशन देने पर जर्मन डॉक्टर को चिल्ला। कोविड 19 के नए शोध में बड़ा खुलासा, शरीर के कई हिस्सों में महीनों रहता है कोरोना संक्रमण, SARS-CoV-2 वायरस पूरी बॉडी में फैलता है। जापान के गांव में बसने के लिए दे रहा पैसा, हर बच्चे के सबसे 6 लाख रुपए, फिर भी लोग शहर छोड़ने को तैयार नहीं। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने जारी मंत्रालय धो रहे दक्षिणपंथी नेताओं को सौंपे। नेतन्याहू की गठबंधन सरकार का त्रिपंथी दलों के सहयोग पर चिट्ठी। अमेरिका को मंजूर नहीं निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति को नहीं देगा मान्यता, व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा। मादुरो को वेनेजुएला का वैध अंतरिम राष्ट्रपति नहीं। एलन मस्क ने किया चौंकाने वाला खुलासा, अमेरिकी सरकार ने की थी 2.5 लाख ट्विटर खातों को बंद करने की मांग, मस्क ने ट्विटर फाइल्स में इसका खुलासा किया। अमेरिका चीन रूस के खतरे के बीच व्हाइट हाउस ने बताया 2023 का प्लान, कहा रणनीतिक स्थिति और मजबूत करेगा अमेरिका। अमेरिका के केविन मैकार्थी नहीं जीत पाए स्पीकर का चुनाव, 100 साल में पहली बार होगी दोबारा वोटिंग, बैलेट वोटिंग में नैन्सी पेलोसी की जगह स्पीकर का चुनाव जीतने में सफल रहे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 16 जनवरी को, जेपी नड्डा का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल, दिल्ली में होने वाली बैठक में लिया जा सकता है फैसला। त्रिपुरा में पूर्व सीएम बिप्लब देव के घर पर हमला, हमलावरों ने देव के घर तोड़ाफोड़ और आगजनी की, मामले की जांच से जुटी पुलिस। 1500 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने दाखिल किया आरोप पत्र, कोलकाता में 60 लाख नकदी जब्त, बेहिसाबी नकदी रखने के आरोप में 9 लोगों को किया गिरफ्तार। अगले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत में छाया रहेगा घना कोहरा, जारी रहेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए जारी किया येलो अलर्ट। देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज, सीएम धामी ने किया महोत्सव का शुभारंभ, कहा राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। सैकड़ों परिवारों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, हल्द्वानी में वनभूलपुरा में चलेगा बुलडोजर, कार्रवाई के विरोध में पूर्व सीएम का मौन उपवास। उत्तराखंड में रोजगार के लिए हरिद्वार में भी गांव से हो रहा पलायन, उत्तराखंड के पर्वतीय ही नहीं मैदानी जिले भी पलायन की समस्या का सामना कर रहे। अंकिता हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल होने की बात हुई सुनवाई, तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई टली, अब 5 जनवरी को फैसला सुनाएगी कोर्ट। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद जगह परिवहन विभाग, नारसन बॉर्डर हाईवे का सर्वे आरटीओ रुड़की और हरिद्वार को सौंपी गई जिम्मेदारी। भारत ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 रन से हराया, डेब्यू मैच में शिवम मावी ने 4 विकेट लिए, पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने किया विजय आगाज। भारत और श्रीलंका के 3 महीने बाद भारतीय टीम में वापस लौटे जसप्रीत बुमराह, श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे वनडे सीरीज में। श्रीलंका के खिलाफ उमरान मलिक ने तोड़ा बुमराह का रिकॉर्ड, 155 की स्पीड से बॉल जोर, श्रीलंकाई कप्तान को झोंकाया।